हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑल स्टडी न्यूज फॉर यू की एक नए वीडियो में। बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है हिंदुस्तान की तरफ से। वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखिएगा क्योंकि यह न्यूज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बात करें यूपी बोर्ड 2020 फिजिक्स का प्रश्न लीक, यहाँ परीक्षा हुई रद्द। अब किस जिले की परीक्षा रद्द हुई है और फिजिक्स का पेपर कहाँ से लीक हुआ है, किस जिले से लीक हुआ है, वीडियो में हम आपको बताएंगे। बस वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। देखिए, दरअसल आपको बता दें हम कि उत्तर प्रदेश यूपी बोर्ड 12th एग्जाम 2020 यूपी बोर्ड इंटर परीक्षा 2020 के भौतिक विषय यानी फिजिक्स का प्रश्न पत्र लीक होने के बाद 69 एग्जाम सेंटर पर परीक्षा रद्द कर दी गई है। गुरुवार इंटरमीडिएट का परीक्षा फिजिक्स का पेपर था, दोपहर अचानक हल किया गया। प्रश्न पत्र कई व्हाट्सएप ग्रुपों पर वायरल हो रहा था, ठीक है। बात करें इसके बाद जिला और शिक्षा प्रशासन ने इसकी पड़ताल कराई। जिला अधिकारी ने आनंद फानन में वरिष्ठ अफसरों को साथ बैठक की। फिजिक्स प्रश्न पत्र के 3 सेटों में से एक सेट का प्रश्न पत्र शब्दशः मिलने के बाद 69 केंद्रों की परीक्षा रद्द करने का आदेश जारी किया गया। उस शिक्षक को भी हिरासत में लिया गया जिस शिक्षक ने वह पेपर लीक किया था। बात करें कि सरकार द्वारा भले ही नकल पर नकेल कसने के लिए लंबा चौड़ा दावा पेश किया जा रहा है, लेकिन नकल माफिया पूरी तरह हावी दिख रहे हैं। मऊ के 135 केंद्रों पर यूपी बोर्ड की यहां पे जो यूपी बोर्ड की परीक्षा हो रही थी, गुरुवार की दोपहर लगभग 12 बजे से दूसरी पाली में इंटरमीडिएट भौतिक विज्ञान का प्रश्न पत्र था, ठीक है। कहां पर था? मऊ जिले में 135 केंद्रों पर यूपी बोर्ड की परीक्षा हो रही थी और गुरुवार की दोपहर लगभग 12 बजे दूसरी पाली में इंटरमीडिएट की भौतिक विज्ञान का प्रश्न पत्र था। आपको बता दें इसी दौरान सॉल्व पेपर व्हाट्सएप ग्रुपों पर वायरल हो रहा था। बीएस और डीआईओएस ने जांच शुरू किया कि तो पता चला कि 3 में से एक सेट पेपर आउट हुआ था, ठीक है। पता चला कि एक्स वाई कोड यहां पर कोड पेपर बांटा गया वहां की परीक्षा निरस्त कर दी गई, ठीक है। जहां जांच में पता चला कि प्राथमिक विद्यालय भटमिला में तैनात शिक्षक ओंकार यादव, जैसवारा भटौली में तैनात शिक्षक प्रिंसु कुमार और शिक्षक गोपाल दुबे ने पेपर आउट किया था, ठीक है। कौन कौन? गोपाल दुबे ने और जैसवार भटौली तैनात ओंकार यादव यह पेपर आउट किए थे। सराय लखनसी और पुलिस ने ओंकार और प्रिंस को हिरासत में ले लिया, ठीक है। इन्हीं शिक्षकों ने उस पेपर को आउट किया था। अब बात करें पुख्ता सुरक्षा इंतजाम के बावजूद लगातार यूपी बोर्ड में परीक्षा में अव्यवस्था के मामले, ठीक है। इसमें देखिए यूपी बोर्ड की परीक्षा में केंद्र व्यवस्थापक से लेकर कक्ष निरीक्षकों तक की लापरवाही सामने आई है। रामपुर में लापरवाही के पता चलते परीक्षार्थियों को हिंदी का गलत पेपर बांट दिया गया था। परीक्षार्थियों ने विरोध किया तो उन्हें उसी प्रश्न पत्र को हल करने को कह दिया गया जो कि गलत था, ठीक है, जिसमें परीक्षार्थियों को भविष्य संकट में आ गया है, ठीक है। अब आगे बात करें मामला जो डीएम तक पहुंच गया, ठीक है। डीएम ने जिला विद्यालय निरीक्षक को तलब कर दिया और इस मामले में केंद्र व्यवस्थापक को हटाने व दोषियों पर रिपोर्ट दर्ज कराने के आदेश दिए हैं, ठीक है। बात करें यूपी बोर्ड 2020 दो दिन में 317,475 छात्र छात्राओं ने यूपी बोर्ड की परीक्षा छोड़ दी। यहां पर ध्यान से देखिए 317,475 छात्र छात्राओं ने यूपी बोर्ड परीक्षा छोड़ दी दो दिन में, ठीक है। आगे देखिए यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट सामान्य हिंदी के पेपर का पहला प्रश्न ही गलत था, ठीक। आगे देखिए यूपी बोर्ड परीक्षा के पहले ही दिन इंटरमीडिएट सामान्य हिंदी का एक प्रश्न गलत पूछा गया। बोर्ड की ओर से भेजे गए प्रश्न पत्र सीरीज 302ZJ का पहला प्रश्न कल्पलता के लेखक हैं कि 4 विकल्प महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रोजी रेड्डी और वासुदेव शरण अग्रवाल और प्रेमचंद दिया गया था, जबकि हिंदी विषय के विशेषज्ञों ने इसे गलत माना है, यानी वह पूरी तरह से गलत था। तो इस
न्यूज में सिर्फ इतना ही निकल के आ रहा था कि मेन मुद्दा यहाँ पे ये था कि फिजिक्स का प्रश्न यहाँ पे लीक हुआ है कहाँ, मऊ में कुछ शिक्षकों के लापरवाही के द्वारा। दूसरी बात कि 317,475 छात्राओं ने 2 दिन में ही परीक्षा छोड़ दी। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको ये देखने को मिला है, आशा करता हूँ अच्छा लगा। अगर ऐसी न्यूज़ और चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी के निशान को दबा के रखिए ताकि आपसे ऐसी अच्छी अच्छी न्यूज़ मिलती रहे। ठीक है, तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में। धन्यवाद, वंदे मातरम।